এই মুহূর্তত আমি রাজীব ভবনত আছো আর রাজীব ভবনত আজি নরিতা জয়শুক্লা তেখেতে আবেদন পত্র দাখিল করেছে তেখেত আমার লগত আছে পুনে পুনে আমি তেখেত লগত কথা পাতিম আপনি এজ অ্যাপ্লাই কিয়া হে তো আপনি কিতনা কনফিডেন্ট হ্যাঁ টিকট মিলেগা As I said, this is not a fight for ticket. This is a battle for ideology. हमारे राहुल जी ने जब बात ideology का बोला है तो पूरा party में लोग ideology के लिए काम कर रहे हैं जो कि सदन में हमारे देश में अगर देश को protect करना है तो कांग्रेस पार्टी का सदन में होना opposition के role में बहुत ज़्यादा important है और मैं हम काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे काम करते हैं हमको ऐसे आप नहीं देखेंगे इधर उधर बैठे हुए हम एसी रूम में नहीं रहने वाले लोगों में से हैं हम ज़मीन पे रहते हैं ज़मीन पे लोगों से मीट करते हैं अनलाइक बीजेपी नेता तो डेफिनेटली वी बिलीव इन वर्क आप सिलचर के लिए आप अप्लाई किया है लेकिन आप करीमगंज से थाली सिलचर भी एस सी रिजर्व है उसमें क्या बोलेगा आई फील आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड दैट इन माई सिचुएशन मेरे ग्रैंड फादर दो बार के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ललित मोहन शुक्लवेदी जी करीमगंज से रहे हैं ही वॉज बॉर्न इन करीमगंज हमारा बहुत सारे फैमिली करीमगंज में है एंड आई एम बॉर्न इन सिलचर माई फादर इज बॉर्न इन सिलचर हमारा घर जो सिलचर का है वो आई थिंक 65-70 ईयर्स पुराना है मेरी ठाकुमा संध्या रानी दास शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम धौलाई धौलाई में से हमारे फैमिली में से पहले भी कॉन्टेस्ट किया था उनके बहन ने भी शोभिता दास सुजीत दास हमारे फैमिली बहुत वाइड स्प्रेड फैमिली है मैं नाम ले लेके थक जाऊंगी बहुत बड़ा फैमिली है काटीगोरा में धौलाई में उधारबंद में गार्डन बेल्ट में बर्मन बेल्ट में मणिपुरी बेल्ट में वी हैव वी आर रिलेशनशिप विद पीपल एक्सीड्स बियॉन्ड रिलीजन कास्ट एंड कम्युनिटीज आपने बोला है कि क्राउड जो फैन आप लोग ने अभी एक कथा कर रहे हो और 1,00,000 रुपया भी आपने जमा दिया उसमें क्या बोले As I said, like BJP is funded by the 10 उद्योगपतिज जिनको पूरा देश का सरकार और सब कुछ को लगा के BJP का फंडिंग किया जाता है और उन्हीं उद्योगपति को खुश रखने के लिए सारा काम किया जाता है हमारा तो ऐसा नहीं है हमारा पार्टी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो क्राउड फंडिंग करके वी हैव टू फाइट द इलेक्शन अब इलेक्शन कमिश्नर से आपको ये बात पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से ये बात पूछनी चाहिए कि इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कैपिंग कितना रखा है ऐसा मध्य प्रदेश में भी देयर इज दिस पर्सन हु हैज बिकम एन एमएलए और उन्होंने 15,00,000 रुपए बहुत मुश्किल से लोगों से जुगाड़ के एमएलए इलेक्शन फाइट किया और वो एमएलए बने लोगों से उधार लेके एमएलए बने बट सिस्टम ही ऐसे हो गया है पैसे का तो रिक्वायरमेंट है ना इलेक्शन में एक एक इलेक्शन में एक एमएलए इलेक्शन में कितना खर्चा होता है तो एमपी इलेक्शन में सोचिए कितना खर्चा होगा तो वो खर्चा तो हमने तो चोरी करके रखा नहीं है ना हमारे पास ऐसे चोरी का उद्योगपतियों का वो ऐसा कुछ बना हुआ है तो क्राउड फंडिंग इज द ओनली वे तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वी फील अ प्रिविलेज टू डू दैट आपने संसद में आपने जीत के जाने से उधर में आपका डिमांड क्या रहेगा और डेवलपमेंट कितना हुआ है अभी सिलचर में हमारा डिमांड हमारे लोगों का सुरक्षित करके महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा डिमांड हमारा जो यूथ है उसको बेरोजगारी से निकालना आज के डेट पे अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट इट्स हाईएस्ट जुमलाबाजी वाले सरकार में बोला है कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बहुत सारी बातें करके आज के डेट में हमारा जो यूथ है क्या हालत है सबका सब देख सकते हैं बीइंग अ यंग पर्सन आई एम 31 इयर्स ऑफ एज आई कनेक्ट विद द मासेस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वी नीड सीरियस वर्क टू बी डन टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट और ऐसी उद्योगपतियों को हमको आगे बढ़ाना है लार्ज स्केल में जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और टैक्स पेयर्स भी बने टैक्स पेइंग में अदानी का कितना शेयर है आप एक बार निकाल के देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना शेयर है देख सकते हैं बट बीजेपी सरकार वर्क्स टू मेक सम 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ाने के लिए 100-100 करोड़ों हजारों करोड़ों का उनका बजट रहता है एक इलेक्शंस के लिए हम तो ऐसे नहीं लड़ेंगे तो हमको क्राउड फंडिंग से ही मैनेज करना होगा थैंक यू আসলে নয়িতা জয়শুক্লা তেখেতর যে গ্রেণ্ডফাদার ললিতমোহন শুক্লবৈদ্যা করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদ আছিলে গতিকে করিমগঞ্জটো যেহেতু ওপেন হৈ গ'ল আৰু এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈছে শিলচৰ সেইবাবে শিলচৰৰ সাতটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ গঠিত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আজি ৰাজীৱ ভৱনত 1,00,000 টকাৰ ড্ৰাফ্ট সভিতা তেখেতে আবেদন পত্ৰ জমা দিছে